दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जब आपसे बात कर रहे हैं, अपने देश में सर्दियां थोड़ी तेज हो गई हैं, खासकर जो हमारा मैदानी इलाका है, पहाड़ पर तो कई जगह बर्फ गिर रही है। लेकिन इस मौसम में जो महामारी की स्थिति है, जो कोरोना कोविड 19 की जो स्थिति है, वह भी भयावह रूप धारण करती जा रही है। बहुत सारे लोगों ने समझा था और कई जगह तो चिकित्सा विज्ञानियों ने भी ये एक आकलन दिया था कि शायद कुछ हालात सुधरेंगे कुछ महीनों के बाद, लेकिन 7-8 महीने के बाद भी हालात जो हैं खराब होते दिख रहे हैं और कई सूबों का हाल तो पहले से भी बुरा है जब ये शुरुआत हुई थी। एक तरह से देखा जाए तो अपने देश में बहुत सारी केसेस जो कोरोना की हैं वो अनरिपोर्टेड रही हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो मौजूदा आंकड़ा है टोटल लोगों का, जो टोटल केसेस हैं जो इससे संक्रमित हुए हैं, 92,40,000 के आसपास आज की तारीख में हैं। लेकिन जो मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये डिफरेंट स्टेट्स में जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहां से आंकड़े लेकर ये रिपोर्ट मीडिया ने फाइल की है और वो जो सामने आई है उसके हिसाब से अपने देश में तकरीबन 3.4 मिलियन कम रिपोर्ट हुआ है, यानी 30 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट ही नहीं हुई हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ 1 करोड़ का आंकड़ा संक्रमित लोगों का वो कब का पार हो चुका है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो जो टेस्टिंग सेंटर से आ रही है। तो इस तरह से जो मौतों का आंकड़ा है वो 1 लाख, हम जानते हैं कि वो करीब 1,35,000 से ऊपर हो चुका है। तो इस आंकड़े में भी मैं समझता हूं कि उसी तरह की तब्दीली नजर आएगी, जो अनरिपोर्टेड बहुत सारी केसेज हैं उसके हिसाब से अगर एक आकलन हम करें। हमारा ये कहना है दोस्तों कि इस महामारी के दौर में जब आम से लेकर खास तक लोगों की मौतें हो रही हैं, अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं कांग्रेस के बहुत ताकतवर नेता, एक जमाने में कहा जाता था कि प्रधानमंत्री कोई भी हो लेकिन सरकार तो अहमद पटेल चलाते हैं, और वो अहमद पटेल साहब जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे उनका आज ही इंतकाल हो गया कोविड-19 से। तो इस देश में किसान, मजदूर, नौजवान, प्रोफेशनल्स, हर तरह के लोग इसके शिकार हो रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने इस मामले को सीरियसली शुरू में टेकअप नहीं किया। आपको याद होगा एक जमाने में कहा गया कि महाभारत की लड़ाई इतने दिन लड़ी गई, ये हम लड़ाई लड़के इतने दिनों में ठीक ठाक कर लेंगे। आज अगर देखा जाए तो इस महामारी के दौर में जब हाहाकार मचा हुआ है तब इश्यूज क्या हमारे सामने उभर रहे हैं, ये इशू हो रहा है, उभर रहा है खासकर हिंदी हार्टलैंड में कि लव जिहाद कितनी बड़ी समस्या है। कमाल की बात है, लव जिहाद को पूरे देश में मीडिया और जो सरकारें कई हैं वो इसको इतना बड़ा इशू बना रही है कि लोग भूल जाएं कि महामारी से भी निपटना है, लोग भूल जाएं कि महामारी से निपटने के लिए क्या क्या करना है, अस्पतालों की जो बेहाली है वो लोग भूल जाएं, लोग भूल जाएं कि उनकी टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है, लोग भूल जाएं कि बेकारी बेहाली कितनी बढ़ रही है। तो ये कुल मिलाकर हालात है। ऐसा लगता है कि इस पूरे इशू को, पूरे महामारी के इशू को जैसे लगता है कि डाइवर्ट करने में पूरी मशीनरी लगी हुई है, और जो हमारे देश के जो चैनल्स हैं खासकर टेलीविजन चैनल वो एक उपकरण के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं कि कैसे चीजों को डाइवर्ट किया जाए। बिहार में जब इलेक्शन था तो सबसे बड़ा इशू वहां पर महामारी नहीं था, लोगों ने कहा कि बिहार में तो केसेस नहीं है, बहुत कम केसेज हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी पता चल रहा है जो आंकड़े आ रहे हैं कि बिहार में 132% अनरिपोर्टेड केसेज हैं। उसी तरह से गुजरात का जो आंकड़ा है 109%, यानी 109%, एक तेलंगाना का 123%, यूपी का भी 59%। तो हमारा ये कहना है कि ये जो स्थितियां हैं, ये जो अब जैसे जो वर्स्ट जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो वर्स्ट परफॉर्मेंस जिन राज्यों की है उसमें बिहार, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली, यूपी सबसे वर्स्ट है। जो बेहतर जिन्होंने परफॉर्म किया है वो तमिलनाडु है,
राजस्थान है, पंजाब है और झारखंड जैसा स्टेट है जो माना जाता है कि एक पिछड़ा राज्य है। इस तरह के राज्यों ने बेहतर परफॉर्म किया है। दोस्तों हमारा ये कहना है कि आज की तारीख में जब कभी इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, जब लगता है कि पूरा सिस्टम एक तरह से फेल कर रहा है, गवर्नेंस के लेवल पर ठोस काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, अस्पतालों की स्थिति हो, टेस्टिंग की स्थिति हो, या जिन देशों ने जिस तरह के फॉर्मूले पर कोरोना को एक हद तक नियंत्रित किया, उन देशों के अनुभव को लेकर अपने देश में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे पॉलिसीज बनाई जाए, जब इसका मामला आता है तो कोई और दूसरा मामला उठा दिया जाता है। कभी स्ट्राइक का मामला, एयर स्ट्राइक का, कभी गुपकार गैंग का मामला उठा दिया जाता है। अभी बंगाल का चुनाव आ रहा है, अब बंगाल के चुनाव से पहले फिर लव जिहाद का मामला काफी तेजी से उठाया जा रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये डाइवर्जन की टैक्टिस है। और दोस्तों इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर भी जब हाई लेवल से जो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लेवल पर जब कोई बात होती है तो क्या होता है। अब जैसे हाल में हमने देखा कि इसी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो आने वाली है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या होगा। भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो सिस्टम आप बना लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो हालात हैं कि ये कोरोना का जो दोबारा से उभार दिखाई दे रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पहला जो उभार था वो खत्म ही नहीं हुआ, ये पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज का जो मामला है वो तो कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बेसिक इश्यूज हैं कोरोना को काउंटर करने का, नियंत्रित करने का, उसके नियंत्रण का, उसके प्रसार को, उसको एड्रेस करने के बजाय ऐसे इश्यूज को हट उठाया जा रहा है जो टेलीविजन के पर्दों पर देखकर लोग आश्वस्त हो सके। जैसे एक जमाने में कहा गया कि ये तो कुछ नहीं है, भारत में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ के लोग मसाला खाते हैं, यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है पश्चिम की तरह। लेकिन हुआ क्या, हम इस समय विश्व में दूसरे स्थान पर हैं और कोई ठिकाना नहीं कि अगर सही ढंग के आंकड़े सामने आ जाएं और हालात ऐसे ही बिगड़ते रहें तो हो सकता है हम दुनिया में अव्वल हो जाएं। तो ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत की सरकार के लिए। लेकिन हम उलझे हुए हैं दूसरे इश्यूज पर। तो ऐसा लगता है कि लव जिहाद का इशू हो, स्ट्राइक्स का इशू हो, जो तमाम एयर स्ट्राइक, कौन कौन स्ट्राइक बताई जाती हैं, कभी गुपकार गैंग का इशू हो, ये सब कुछ जो है उस इशू से, जो बेकारी, महामारी और बेहाली है, उससे कहीं ना कहीं ध्यान हटाने के लिए इस समय किया जा रहा है। ये बहुत गहरी चिंता का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.